नाभि शरीर का एक ऐसा स्थान है जो सबसे अधिक गोपनीय और सबसे अधिक खास मानव शरीर में बताया गया है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी नाभि ही बनती है। अपनी माँ की नाभि से ही वह कनेक्ट होता है और अगर वह नाभि से कनेक्ट ना हो तो उस बच्चे का विकास ही नहीं हो पाता है। तो अब आप ये देखें कि बचपन से ही नाभि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है बीतता है सभी लोग इस नाभि के बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभि केंद्र ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है सांसारिक सुखों के लिए, धन संपदा के लिए, सुख और वैभव के लिए। बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी सुख मौजूद हैं वह केवल नाभि के माध्यम से ही पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझ लें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर और हर हर महादेव लिखकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभि वह स्थान है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, यानी कि नाभि से दो उंगली ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो कि अग्नि तत्व का स्थान है। और तंत्र में इस चक्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए बताया जाता है क्योंकि यही चक्र के कारण सुख संपत्ति वैभव और इस दुनिया में जितने भी सुख मौजूद हैं केवल इसी चक्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, कर्जे में हमेशा फंसे ही रहते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यह संकेत करता है कि उनकी नाभि बिल्कुल भी जागृत नहीं है। तो ऐसे में अगर नाभि को जागृत किया जाए, नाभि से जुड़े हुए प्रयोग किए जाएं, तो इससे नाभि प्रभाव में आ जाती है और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे हालात होते हैं कि उनकी शादी जल्दी नहीं हो पाती है, शादी हो भी जाती है तब भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि आपस में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि काफी लोग तो बस शादी के बाद ये सोचते हैं कि सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी है। इसीलिए यही वजह है कि आजकल बहुत कम लोग ही शादी करने को राजी होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि केवल नाभि के माध्यम से ही जीवन में प्यार की सुख की प्राप्ति भी की जा सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा अड़चनें आती हैं, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा अधिक होती हैं, तो ऐसे में नाभि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे काफी लोग होते हैं नहाते हैं, रोजाना नहाते हैं लेकिन फिर भी नाभि को बिल्कुल भी साफ नहीं करते हैं। अगर आप अभी अपनी नाभि को चेक करेंगे तो उसमें निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा अधिक गंद मिलने वाला है। और अगर नाभि गंदी रहती है तो ऐसे में जीवन में दुख आने लग जाते हैं, धन की कमी होने लग जाती है, आपस में यानी कि पति पत्नी जो हैं उनमें आपस में प्यार नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन आकर्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पति पत्नी में इतनी आपस में ऐसे लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख भी लेते हैं तो पूरा दिन ही एक दूसरे का खराब करने लग जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे से भागते हैं। तो आप सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी नहाया करें तो नाभि को अवश्य ही साफ किया करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने जीवन में प्यार, सम्मोहन और आकर्षण को कई गुना अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो नाभि में आपको चंदन का तिलक रोजाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु है जिसे भगवान श्री कृष्ण भी रोज अपनी नाभि में लगाते थे और कई मंदिर में तो आज भी भगवान श्री कृष्ण की नाभि में चंदन का तिलक अवश्य ही लगाया जाता है। तो अब आप ये देखें कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंदन का तिलक लगाते थे तो ये कितना अधिक लाभप्रद हो सकता है। इसको लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि ये आपकी जिंदगी में आए वह आपके जीवन में आते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और बिल्कुल आपकी बात मानने लग जाते हैं। नाभि में चंदन का तिलक इस बात का ध्यान रखा करें कि आप एक चंदन की लकड़ी ले लें, एक पत्थर ले लें और उस पर रोजाना घिसकर इस तिलक को बस आपको लगाना है। आपको ये भी बता दें कि मार्केट में पिसा हुआ चंदन तो मिल जाता है लेकिन ये बिल्कुल मिलावट वाला होता है, तो मिलावट वाली चीज का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चंदन का तिलक नहीं मिलता है तो सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा प्रचंड चंदन का इत्र बताया जाता है। चंदन का इत्र या चंदन का पेस्ट रोजाना नहाने के बाद
अगर नाभि में लगा लिया जाए तो इससे समस्त प्रकार के कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संपूर्ण शास्त्रों में कि लकड़ियों में केवल चंदन की लकड़ी ही सर्वश्रेष्ठ है और इसे आपको अपनी नाभि में घिसकर लगाना चाहिए। केवल घिसा हुआ चंदन जो आप स्वयं अपने हाथों से घिसते हैं वही लाभप्रद हो सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नाभि के माध्यम से आप अपने शत्रुओं को भी शक्तिहीन कर सकते हैं। अब ये करना किस प्रकार है, इसके लिए आपको 4 गेंदे के फूल लेने हैं और 4 ही चमेली के फूल आपको लेने हैं। इन सभी चीजों को एक साथ पीस कर ये बात ध्यान रखें कि पत्थर पर ही आपको इन्हें पीसना है, घिसना है और इनका पेस्ट बना के एक डिब्बी में तैयार करके रख लेना है। बस रोजाना इस पेस्ट को आप अपनी नाभि पर लगाकर हलीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप करें और उसी दिन से आप स्वयं देखेंगे कि शत्रु आपके कदमों में होगा, बिल्कुल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे कितना भी शक्तिशाली शत्रु हो लेकिन आपके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा होगा। जो लोग बगलामुखी साधना करते हैं वह इस प्रयोग का इस्तेमाल करके अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी नीचे गिरा देते हैं। यह बगलामुखी साधना का एक प्रचंड प्रयोग है। बगलामुखी साधना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार नियम है, ये आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं, खास चीजें आप कर लेके आते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों अगर आप बगलामुखी साधना नहीं भी करते हैं तब भी इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है इस प्रयोग के साथ बगलामुखी साधना को चलाया जाए, किया जाए तो बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर आपके कदमों में आप स्वयं ही उसे बैठा हुआ देख लेंगे। स्वयं भगवान श्री राम ने बगलामुखी साधना करके ही रावण जैसे योद्धा को भी मार गिराया था। तो अब आप ये देखें कि बगलामुखी साधना कितनी अधिक प्रचंड और प्रभावी है, तीव्र है। यह 10 महाविद्याओं में बताई जाती है जो शत्रु के बिल्कुल काल को ही बुला देती है। अब दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अधिक गुस्सा आता है, इतनी तीव्रता उनमें आ जाती है कि अपना ही खून कई गुना अधिक फूंक लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है उनकी बुद्धि केवल 10% ही कार्य करती है और वे हमेशा ही चिंता में, तनाव में, घबराहट में ही डूबे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर उन्हें इस संसार के संपूर्ण सुख भी उनके कदमों में रख दिया जाए तब भी वे गुस्सा करेंगे और उस सुख का कोई भी मजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति है जिसमें अधिक एकदम से ही जो उछट जाता है वह अपने सुख को स्वयं ही क्रोध में बदल लेता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको क्रोध की समस्या है तो आप अपनी नाभि में शहद लगाना शुरू कर दें। इससे बड़ी आसानी से आप अपने क्रोध पर काबू पा सकेंगे और जब चाहे जैसे चाहे, जैसे अभी अगर आपको कोई कुछ बोलता है बहुत अधिक क्रोध आ जाता है तो तब आप बड़ी आसानी से अपने क्रोध को अपने वश में कर पाएंगे। और इस बात के बारे में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, क्रोध को जीत लेता है, वही इस सृष्टि को जीतता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को जीतकर इस संपूर्ण सृष्टि को ही जीत लिया था, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं, क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नाभि पर शहद भी लगाते थे और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से नाभि विज्ञान, नाभि के इन अद्भुत चमत्कार के बारे में इस सृष्टि को पता लग पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले कोई भी इन सभी चीजों के बारे में, इन चमत्कारों के बारे में नहीं जानता था। तो दोस्तों यह सभी चीजें हमने आपको बताई हैं, इनका आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।